गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 6 वर्ब कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑल कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। जितने भी कंप्लीट सब्जेक्ट हो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं उसकी वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है। सम वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक्ट करता है, कोई एक्शन करता है वर्ब के ऊपर। वर्ब्स विच हैव एन ऑब्जेक्ट, जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेंटेंस विद ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो सेंटेंस होगा वो क्या पैटर्न फॉलो करता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को के पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि जॉन अरेंज द फ्लावर, जॉन ने फ्लावर अरेंज किए, तो अरेंज इसके अंदर वर्ब है और फ्लावर क्या है, ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन, फ्लावर को क्या किया गया, अरेंज किया गया, मतलब फ्लावर है वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो आंसर कर रहा है क्वेश्चन का क्या, अरेंज। अरुणा इज होल्डिंग द बेबी, द इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आंसर कर रहा है क्वेश्चन का क्या, होल्डिंग, कि बेबी को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आंसर कर रहा है बेबी को होल्ड करना। द प्रिंसिपल पनिश द बुलिस, द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन पनिश्ड होम, इसमें ऑब्जेक्ट क्या आंसर कर रहा है कि किसको पनिश किया गया, नहीं सॉरी बुलिस को क्या किया गया, जो बुलिस हम कह सकते हैं जो शरारती बच्चे होते हैं, शरारती स्टूडेंट होते हैं उनको, तो ऑब्जेक्ट क्या आंसर कर रहा है, पनिश। और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। सम वर्ब्स डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मजीद अराइव यस्टरडे, मजीद यहाँ पर किसी पर्सन का नाम है कि वो यस्टरडे पहुँचा। द सन विल राइज एट 5:45 AM टमोरो, सन जो है कल 5:40 AM राइज होगा। इसमें भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस है। सम वर्ब्स लाइक अरेंज, होल्ड, ब्रिंग, इस तरह के जो वर्ब्स हैं उन पर उनके साथ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगेगा ही, इनको हम बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, मतलब उसको ऑब्जेक्ट के बिना भी यूज कर सकते हैं कुछ वर्ब को, और हम विदाउट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, विष्णु इज सिंगिंग वेरी वेल, विष्णु बहुत अच्छा गाता है, ये क्या है, इंट्रांजिटिव, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि विष्णु क्या गाता है। नेक्स्ट है विष्णु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, विष्णु सॉन्ग गा रहा है, तो इसमें सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है और सॉन्ग किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, सिंगिंग के ऊपर, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सम वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर नॉर्मली एक गिवर होता है, मतलब इसको जिसको हम कुछ दे रहे हैं, और दूसरा जो उस चीज़ को रिसीव कर रहा है, जो रिसीव करता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो उसको हम कोई भी क्वेश्चन पूछ के हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम कोई भी क्वेश्चन, मतलब जो वर्ड से शुरू होता है उससे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, टू होम, कि किसके द्वारा किया गया, जैसे कि अनु गेव हर मदर अ कार्ड, तो इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कार्ड है, कि अनु ने कार्ड दिया, ठीक है, कार्ड जो है डायरेक्ट है, किसको दिया, रिसीवर कौन है, मदर, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब। सम वर्ब्स नीड एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब और प्रेपोजिशन टू कंप्लीट देयर मीनिंग, तो क्या है, इसके अंदर कुछ वर्ब्स के अंदर उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है द कस्टमर आर, तो ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, द कस्टमर आर हैप्पी, हैप्पी इसके अंदर क्या है, एडजेक्टिव है, कि कस्टमर जो है वो खुश है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया।
मिस्टर चटर्जी इज फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं? फीलिंग मच बेटर। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसके अंदर जो हैप्पी है और मच बेटर है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हमें ज़रूरत पड़ती है वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो वर्ड है। तो इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट को ऐड करने के लिए लगाए गए हैं। अभी हमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। सर्कल द वर्ब एंड राइट वेदर द वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और लिंकिंग। हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस में जो हमारा है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। जैक एंड जिल वेंट अप द हील, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है इसके अंदर, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है? इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट भी है वो क्या है? द हिल। और वेंट क्या है? वर्ब है। तो जैक एंड जिल कहाँ गए? पहाड़ी पर गए। तो पहाड़ी, इसमें हिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। मिस्टर थप्पा टोट अस अ न्यू सॉन्ग टुडे, मिस्टर थप्पा ने हमें कल, सॉरी आज न्यू सॉन्ग सिखाया। सॉन्ग ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। आई हैव रीड ऑल द नोडी बुक, मैंने सभी नोट बुक्स जो हैं नोडी बुक्स पढ़ ली। तो इसके अंदर नोडी बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। द डॉग क्रॉल्ड इनटू द बुरो, तो इसके अंदर इनटू जो है वो लिंक करने के लिए है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। मालिनी वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविज़न, इसमें टेलीविज़न ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है ये। तारा हैज बिकम वेरी नॉलेजेबल, इसमें हैज बिकम जो है वो सेंटेंस को लिंक करने के लिए है, डैट मीन्स ये लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल है। आफ्टर डैट जतिन लुक हैप्पियर टुडे, तो इसके अंदर भी क्या है? हैप्पियर जो है लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट, डिड यू बाय द मेडिसिन फॉर ग्रैनी, इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, तो ये सॉरी ऑब्जेक्ट है और वर्ब भी है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वी वेटेड फॉर दिस बस टिल 10 o'clock, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कि बस की वेट की हमने इतने बजे तक, ठीक है, तो इसमें ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। प्लीज़ ब्रिंग अ बॉक्स चौक, बॉक्स ऑफ चौक एंड डस्टर फ्रॉम द ऑफिस, इसकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे उसको हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है, और इनडायरेक्ट को सर्कल करना है। हैव यू गिवन तो योर पेरेंट्स द सर्कुलर, तो जिसको देते हैं हम वो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट पर हमने क्या कर दिया? सर्कल कर दिया, और दूसरा जो इनडायरेक्ट है उसके ऊपर हमने अंडरलाइन कर दिया। द डायरेक्टर हैज असाइन द कास्ट देयर रोल्स, तो क्या असाइन किया डायरेक्टर ने? कास्ट, तो कास्ट क्या है इसके अंदर? इसमें कास्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि उसको असाइन किया है, ठीक है, देयर रोल्स, उनका रोल। सुसान लेफ्ट हर, प्लीज ऑफर द गेस्ट सम रिफ्रेशमेंट, कि गेस्ट को हमने क्या ऑफर करनी है? कुछ रिफ्रेशमेंट, तो क्या देना है? रिफ्रेशमेंट जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको देना है? गिवन, गिवर कौन है? गेस्ट है, तो इनडायरेक्ट क्या हो गया? द गेस्ट, जिसमें हम सर्कल कर देंगे, और इनडायरेक्ट क्या हो गया? रिफ्रेशमेंट। इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, और इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।